ट्रेलर एंड होने लगा था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बार बार वही साउंड आ रही थी नील नितिन मुकेश की, क्लियर ही नहीं किया, क्लियर ही नहीं किया कि मूवी में क्या कर रहा है, क्या बताना क्या चाहते, बताना क्या चाहते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और मैं हूं मुनीश। दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है ऑफिशियल ट्रेलर बाईपास रोड का, और इसमें है नील नितिन मुकेश और अदा शर्मा। तो देखते हैं इस वीडियो को। मिराज ग्रुप NNM Films, नील नितिन मुकेश फिल्म्स। क्या पता था कि जिंदगी एक दिन वही देगी मुझे जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। सारा की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई। सारा ने अपने आप को नहीं बल्कि किसी और ने सारा को मारा है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि उसने खुदकुशी की। आप इन सब में विक्रम को क्यों इन्वॉल्व करें? विक्रम का एक्सीडेंट होना, सारा का मरना, जिमी का गायब होना, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। किसने मारा उसको? हाय विक्रम, वेलकम बैक। तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तो मेरे डैड की वाइफ हो बस। ये वो है ना जो तुम्हें देखना है। जिंदगी तुम्हें क्या दिखाना चाहती है वो देखो। वो देखो। जाने के बाद बाप होने की जिम्मेदारी नहीं है भाई। मैं जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू, आई लव यू टू। याद कराया। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अब तुम ये हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल ना तुम दिया। मिस्टर विक्रम कपूर। जिंदगी और रास्ते एक जैसे होते हैं, किस मोड़ पे बदल जाए पता नहीं चलता। किल फॉर इट। तोड़ दिया वाले। बिल्ली वाली जरूर होती है जब कहीं ऐसे रात में खूनदान होता है ना, वही कह रहा दिखाया बिल्कुल। यही है असली दिखा दिया हमने। मास्क तो उसके जैसा है वो मूवी थी फैंटास्टिक फोर में। मदन पालीवाल, नील नितिन मुकेश, राइटर, रिटन बाय, डायरेक्टेड बाय नमन नितिन मुकेश। ओ ओके, ये नील नितिन मुकेश के भाई डायरेक्ट कर रहे हैं इस मूवी को। यस, मुझे ध्यान है। तो ये था ट्रेलर सस्पेंस से भरपूर बाईपास रोड का, और पूरी मूवी में मतलब सस्पेंस ही सस्पेंस है भाई। कुछ एंड का जब ट्रेलर एंड होने लगा था मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बार बार वही साउंड आ रही थी नील नितिन मुकेश की, वही साउंड। क्लियर ही नहीं किया, क्लियर ही नहीं किया कि मूवी में क्या कर रहा है, क्या बताना क्या चाहते, बताना क्या चाहते है इन लोग, कौन मर रहा है, मतलब किसको खतरा, किसको है? नील नितिन मुकेश को खतरा है कि उसकी माँ जो सौतेली माँ उसको खतरा है, या इस यही मर्डर है, इसने एक लड़की को मर्डर, एक लड़की का मर्डर किया है, फिर एक बंदे का मर्डर किया, वो ये मर्डरर है, क्या है दिखाना, पता नहीं क्या चाहते हैं कि, यानी समझ ही नहीं आ रहा कि किसको, एक को तो मार दिया, तो भूत डाल देते ना तो बहुत बढ़िया बन गई क्योंकि वहां पे दिखाया वो मास्क लगा के आता है, कोट कट पहन के, और जब उसकी इमेज दिखाई तो लड़की दिखा दी ऐसे, भाई लग रहा है मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसी मूवीज हैं जो इंडिया के अंदर ना पहले चली थी ना अब, पता नहीं मतलब हो सकता है मे भी अच्छी निकल जाए मूवी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पहले ऐसी मूवी, ऐसी ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पहले मूवीज बन चुकी हैं, वो तो चली नहीं है। नील नितिन मुकेश एक अच्छा एक्टर है, लेकिन अच्छे एक्टर को अच्छी मूवीज मिलना बहुत जरूरी होता है। जैसे
बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन उन अच्छे एक्टर्स को अच्छी मूवीज नहीं मिल पाती तो वो कुछ भी नहीं है। जैसे ये अपने नवाजुद्दीन सदीकी थे, उनको अगर वो मूवीज नहीं मिलती गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह तो उनको जानते ही नहीं थे हम, उससे पहले भी वो अच्छे एक्टर ही थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुमने पहले काम की थी। बाकी इसमें एक चीज देखिए कि जैसे बाईपास नाम लिखा, बाईपास रोड, तो अभी पता ही लग रहा कि बाईपास रोड पे इनका घर है क्या है क्या नहीं। लगा था वो रॉन्ग टर्न जो मूवी थी कि वैसा कुछ होगा, बाईपास रोड, बाईपास रोड से जाएंगे कहीं, मतलब रोड वाली कुछ वो जैसे पता था उस पर बेस है वो मूवी, पर बाईपास रोड कुछ बाईपास रोड क्लियर ही नहीं कर रहे कि इनका घर बाईपास से है या कहीं बाईपास से गुजरे हैं, उसकी स्टोरी चल रही है। बाईपास जिंदगी का बाईपास रोड हो सकता है, लेकिन बाईपास रोड नहीं, बाईपास लाइफ लिख देना। हाँ, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि उसको मारना चाहते हैं साइड से या किसको मारना चाहते हैं, और फिर रोड डाल दिया तो फिर से डिफरेंट हो जाता है। हाँ, फिल्म में बात करें तो नील नितिन मुकेश जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं पूरे ट्रेलर के अंदर। नील नितिन मुकेश की एक्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके मूवीज में मैंने कई मूवीज में देखा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। फिल्म खुद लिखी है उन्होंने, खुद ही प्रोड्यूस कर दी है, भाई साहब अपने भाई से डायरेक्ट करवा ली है, मिराज वालों ने प्रोड्यूस कर दिया, पैसा लगा दिया, तो ये घरेलू फिल्म है। तो अभी वैसे तो सस्पेंस से भरपूर है, पर सस्पेंस कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका ट्रेलर आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहा, ट्रेलर से आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा, तो आप कैसे मूवी देखने कैसे चले जाओगे? मतलब थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन हो सकता है मूवी अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेलर देख के एक बार तो मूवी देखूंगा मैं, फिर भी इसको देखेंगे मूवी में क्या है, क्योंकि सस्पेंस है इस मूवी का मेन। देखेंगे कि नील नितिन मुकेश कैसे, मतलब एक्टर एक्टिंग वाइज अच्छे हैं, लेकिन कैरियर उनका एक्टिंग में उतना नहीं चल रहा है, तो राइटिंग में देखते हैं कितना अच्छा कर पाया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रेलर कैसा लगा है इसका मूवी का, ये हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है ये नीचे लाइक बटन दबा के हमें बताएं, नीचे शेयर बटन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।